गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजल प्रजापति ट्रेनर टेकवे। तो जी हां गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुजल प्रजापति ट्रेनर टेकवे। तो आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने वाला हूं जो कई अक्सर यूट्यूबर मिस्टेक कर देते हैं। जी हां गाइस उसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने वाला हूं, तीन ऐसे मिस्टेक जो अक्सर एक यूट्यूबर कर देते हैं और आगे जाके पछताते हैं, रोते हैं। तो जी हां गाइस अगर आप नए हो तो देर से जाकर सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जी हां गाइस लाइक करना ना भूलना। तो मेरा एक एल्बम आ रहा है जो कुछ ही दिनों, हालांकि कुछ दिन बाद आएगा क्योंकि एक एल्बम मैं रिलीज कर रही हूँ। तो चलिए आप लोग जरूर देखना मेरा म्यूजिक दुकान है, इसके प्रोडक्शन चैनल में इस चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ऐसे मैं इस चैनल में भी ऐड कर रखा हूँ वो चैनल को। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं थ्री ऐसे मिस्टेक जो एक यूट्यूबर कर बैठता है। तो हे गाइस अगर आप यूट्यूबर हैं, अगर नहीं भी है तो भी ये वीडियो को देखें और अपने फ्रेंड लोग को सजेस्ट करें अगर वो एक यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं ये मेरे वीडियो को देख के, कि वो आने वाले समय में आने वाले टाइम में कभी ऐसा मिस्टेक ना कर बैठे जो आगे जाके उनको पछतावा हो कि मैंने यूट्यूब चैनल क्यों क्रिएट कर लिया। तो जी हां गाइस आज मैं ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सजेस्टनेबल है, जो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ मैं, और ऐसा खुद मैं बहुत दिन से कर रहा था और मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ कि क्या मिस्टेक होती है जो मैंने भी कर बैठा हूँ और फिर आप लोगों के साथ ना हो ऐसा कोई गलती, तो वो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ यार, क्योंकि मैं भी बहुत पछताया अब नहीं मेरे चैनल पे कुछ ऐसा हो रहा है। यहाँ गाइस मैं ऐसे कई तीन मिस्टेक के बारे में आपको बताने वाला था और मैं अब बताने वाला भी हूँ कि पहले मिस्टेक क्या कर बैठती है ऐसे यूट्यूबर। अगर आप यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं तो ये वीडियो को पूरे एंड तक देखें तो आपके समझ में, आपके दिमाग में ये बात जाएगा और आप समझेंगे एक एक बारीकी से कि आप ये मिस्टेक ना करें जो आगे जाके आपको पछतावा हो। तो जी हाँ गाइस चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं ये थ्री मिस्टेक क्या है, व्हाट इज द थ्री मिस्टेक फॉर यूट्यूबर। तो जी हाँ गाइस पहला मिस्टेक यही है जो हम लोग इंट्रो लगाते हैं अपने चैनल वीडियो में। तो जी हाँ गाइस हम लोग अगर कोई भी वीडियो बनाते हैं तो हम लोग अगर इंट्रो डालते हैं अपने चैनल का, जो आप लोगों को वो देखने में तो ब्यूटीफुल लगेगा, आपका चैनल तो देखने में बहुत बेस्ट लगेगा अगर इंट्रो हम लोग बिना लगा के फीका फीका लगता है। बट लेकिन एक ऐसा रीजन है वो इंट्रो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आप भी गौर कर रहे हो किसी भी बड़े बड़े यूट्यूबर का आप लोग देखते होंगे इंट्रो लगाते हैं, और कितने लोग नहीं भी लगाते हैं जिनके पास दिमाग है वो तो एकदम नहीं लगाते इंट्रो, और इंट्रो जो भी लगाते हैं तो आप लोग भी कभी तो गौर कर रहे हो हम लोग स्किप कर देते हैं वीडियो को, यार यार इसी का तो चैनल मैं जान रहा हूँ तो उसको दिखाने का क्या जरूरत, स्किप कर देते हैं और स्किप करने के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं तो उसका वाचिंग आवर हो जाता है खराब। वाचिंग आवर, तो हाँ गाइस वाचिंग आवर अगर आप लोगों का खराब हो जाएगा वीडियो का तो आगे जाके आपका चैनल बहुत दिक्कत आएंगी और आपका चैनल होगा कभी नहीं मोनेटाइज। यहाँ गाइस आपको फिर पेमेंट होने में गूगल एडसेंस बहुत रोक लगाएगी, और जब तक $100 नहीं आता तब तक आप लोग को पता ही होगा कि हमारे घर पे पिन नहीं आता जो गूगल एडसेंस के तरफ एक OTP भेजा जाता है हमारे होम पे पोस्ट ऑफिस के द्वारा। तो आप ही सोच लो अगर हम लोग एक छोटे जैसे मिस्टेक करते हैं उसके कारण हम लोग का चैनल में इतना बड़ा असर पड़ता है। तो हम लोग का ये पहला मिस्टेक है जो हम लोग करते हैं, जो मैं भी किया और बाद में मैं भी सोचा कि अरे यार बहुत गलत कर रहा, क्योंकि मैंने कुछ फ्रेंड के मोबाइल हाथ में देखा तो उसने मेरी वीडियो भी देखा। आप लोग खुद ही सोचो अगर आपके सामने अगर आप यूट्यूबर फ्रेंड आपके ही वीडियो को स्किप करके देख रहा है तो आपको कैसा लगेगा, अच्छी तरीके से बर्बाद हो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा और आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे आगे जाके। इसी कारण मेरा कहना है कि इंट्रो तो आप लोग कभी नहीं लगाओ, या लगाना भी है तो कुछ म्यूजिक हल्का सा म्यूजिक दे के करो कि उसको स्किप करने का टाइम ही नहीं। आप लोग टाइम दे देते हो 5 सेकेंड 10 सेकेंड 12 सेकेंड 20 सेकेंड 1 मिनट तक 2 मिनट तक इतने लोग इंट्रो लगाते हैं तो स्किप कर देते हैं तो फिर आपका वाचिंग आवर हो जाएगा खराब। तो जी हाँ गाइस चलिए अब चलते हैं सेकेंड मिस्टेक की तरफ जो हम लोग अक्सर कर देते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सेकेंड मिस्टेक की ओर। तो जी हाँ गाइस थर्ड मिस्टेक हमारा यही है जो अक्सर एक यूट्यूबर कर बैठता है, कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक जो उनके वीडियो पे आती है। हाँ गाइस कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम हमारे वीडियो पे आ जाती है अक्सर, जो अगर हम लोग किसी और के म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक का हम लोग किसी और के कॉपी करते हैं अपने वीडियो में और उसको एडिट करके बना देते हैं तो भी हम लोग
तो आप लोग ध्यान रखो, अक्सर ऐसा म्यूजिक कभी ना लो जो आपके वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ जाए यूट्यूब की तरफ से, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए यूट्यूब की तरफ से। अगर ठीक है, माना कि एक दो यूट्यूब की तरफ से आती है क्लेम, तो कोई दिक्कत नहीं पड़ती है, उस वीडियो पे मोनेटाइजेशन ना होके दूसरे वीडियो पे तो जरूर होगी। बट लेकिन आप लोग क्या करते हो, अरे यार आ रहा है कॉपीराइट, आने तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आने वाले समय में आपका कभी मोनेटाइजेशन तो होगा ही नहीं गाइस, क्योंकि मेरे पिछले चैनल में भी बहुत सारे कॉपीराइट क्लेम लग चुके थे। तो इसी कारण मैं नया यूट्यूब चैनल अभी खोला हूँ और तभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ, तब आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे अभी खड़ा हूँ आप सभी के साथ। तो चलिए बताते हैं कि थर्ड मिस्टेक जो अक्सर यूट्यूबर कर बैठता है वो क्या है। तो जी हाँ गाइस, थर्ड मिस्टेक हमारा ये है, जो हम लोग अक्सर कोई भी यूट्यूब पे कोई भी वीडियो बनाते हैं और आपको कैमरा पे कुछ भी बोल देते हैं, कोई भी अनदर यूट्यूबर के बारे में हम लोग अगर कुछ भी बोल देते हैं, तो हमारे जो यूट्यूब होती है वो क्या अपडेट अभी नया निकला, ना परमिशन के किसी और यूट्यूबर का हमें कुछ भी डिटेल में नहीं बताना है, ना उसका फेस यूज करना है। अगर हम लोग कुछ भी यूज करते तो वो यूट्यूब की तरफ से एक इलीगली साबित किया गया, जो आने वाले समय में आपका यूट्यूब पे स्ट्राइक भी लगाया जा सकता है और बंद भी किया जा सकता है आपके यूट्यूब पे। तो चलिए गाइस, मेरा वीडियो आज का यहीं तक था, और चलिए और मेरा कल का एक न्यू ब्लॉग मैं डालूंगा अभी के शॉर्ट्स वीडियो में। कल मैं 7 AM टू 8 AM में मैं जरूर शॉर्ट्स वीडियो अपना ब्लॉग का डाल दूंगा, जो कल शूटिंग होने वाला है। और जी हाँ गाइज, आप लोग मेरा एल्बम जरूर देखिएगा, कुछ दिन बाद फिर से एक न्यू एल्बम मेरा रिलीज होने वाला है। तो चलिए, जय हिंद जय भारत, आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे, और लाइक करना ना भूलिएगा।